नमस्कार, मैं प्रियंका झा आर वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। दागापुर में हम इस वक्त स्थित है और यहाँ पे जो एनिमल शेल्टर है, जहाँ पे एनिमल ऑपरेशन शेल्टर है, ये आज इसका ग्रैंड ओपनिंग होने वाली है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे इस वक्त कुछ ही देर में इसकी ओपनिंग होने वाली है। और हम आपको बता दें कि जो स्ट्रीट्स जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि डॉग्स, कैट्स, बिल्लियाँ जो होती है, उनका यहाँ पे इलाज कराया जाएगा, उनका यहाँ पे इलाज किया जाएगा। और जो एनिमल्स जो है बहुत ही बीमार होंगे, जो चल फिर नहीं सकते हैं, उन्हें इसी शेल्टर पे रखा जाएगा और यहाँ से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। जो आप देखते हैं कि रोड साइड में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, वो बार बार बीमार पड़ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो उनके जो मतलब शरीर पे घाव होते हैं, जिससे वो काफ़ी बीमार रहते हैं। कभी कभी जो स्ट्रीट डॉग्स है वो नाले में गिर जाते हैं। ऐसे में ये संस्था उसे यहाँ पे लाएंगी और उसका इलाज करेंगे और वापस उसे उसी जगह पे छोड़ आएंगे। अगर वो ज़्यादा बीमार है, चल फिर नहीं सकता, तो ये संस्था उसे इसी संस्था के अंदर रख के उसका उपचार करेंगे। यहाँ पे हम आपको बता दें, सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव आने वाले हैं और उन्हीं के द्वारा इस शेल्टर का उद्घाटन होने वाला है कुछ ही देर में। आइए बात करते हैं बाबा लोकनाथ मिशन के जो डायरेक्टर है, जो सेक्रेटरी है, उनसे बात करते हैं, सुब्रतो साहा जी से बात करते हैं और जानते हैं उनका सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है इस संस्था को। उन्हीं के सपोर्ट द्वारा ये संस्था आगे चलेंगी और चल रही है, तो उनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार सर, आप बताइए, ऐसे नेक काम में अपना योगदान देने के लिए आपने कैसे ये सोचा? कैसे सोचा नहीं, हम जन्म से, मेरा जन्म का बाद में डॉगी को हम अच्छा प्यार करते हैं, हाँ, और बहुत मेरा घर में भी 6 डॉगी है, हम तो सोता भी है कुत्ता लेके। अच्छा, तो सर ये कब से आप यहाँ, मैं तो ऐसे जो संस्था जो ये खोला गया है, इस कब से आप इस पहले से ही है ये पूरा मंदिर, तो हमारा पिताजी करके गया है, हाँ, ये हम ही करने का दिया था पियाजी को। हम रास्ता में देखा ये काम कर रहा है डॉगी के लिए, तो बोलता है उसका कोई ये नहीं है, हम लोग तुमको हम अच्छा हॉस्पिटल देगा, करेगा? तो बोला हाँ करेगा, तो आ जाओ तुम भेंट करो मेरे से। भेंट करने के बाद इसको ये पूरा बिल्डिंग हम दिया है। एक बार हम आया यहाँ ऑपरेशन देखने के लिए आया, तो हमको बहुत बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? देख रहा है जो कोई एसी नहीं है, ये नहीं है, मैंने ओटी एकदम नॉर्मल है, मैंने जानवर के लिए जानवर का जैसा हो तुलब नहीं होना चाहिए, तो उसी लिए हम ये ओटी बनाने का ये लिया। तो बोला था हम 2 महीने में बना देगा, लेकिन 2 महीने में नहीं हुआ, मिस्त्री का चलते नहीं हुआ, तो 6 महीना लग गया, आज उसका उद्घाटन हुआ। धन्यवाद सर। आपने देखा कि ये बचपन से ही जो डॉग्स है उनका देखरेख करते हैं, इनके घर में भी 6 डॉग्स है और इन्होंने देखा ऐसे जो इस संस्था की जो है प्रिया मैम, वो रास्ते पे ऐसे डॉग का जो देखरेख करती थी, तो इनको वो देख के बहुत ही ज़्यादा, इनका दिल काफ़ी बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर वो भावना आई, इन्होंने उनसे बात किया, उन्हें अपने पास बुलाया और उन्होंने सोचा कि रोड साइड में ऐसे ये काम करते, इनको एक शेल्टर मिलना चाहिए और ऐसी संस्था मिलना चाहिए, तो इन्होंने लोकनाथ मंदिर के अंदर जो है अपना एक, आप देख सकते हैं ये जो शेल्टर है ये काफ़ी बड़ा है, तो इस जगह को इन्होंने दान में दिया और ऐसे यहाँ पर नेक काम कराने के लिए दिया है, तब से यहाँ पर क्या किया जा रहा है। और जैसा कि इन्होंने बताया, पहले यहाँ पर जो ट्रीटमेंट होता था वो उसका जो था सही तरीका नहीं था, यहाँ पे बहुत ही ना फैन की थी ना लाइट की, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने उसे सॉल्व किया और वक्त के साथ अपना योगदान देकर इस शेल्टर को अच्छे से बनाया और आज इस शेल्टर का उद्घाटन हुआ सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव के द्वारा।
আমাদের রাস্তার বাচ্চাগুলো একটা ভালো ফেসিলিটি পাচ্ছে, যেমন তেমন নয়, তারা রীতিমতো ভালো ফেসিলিটি আস্তে আস্তে আমরা অ্যাভেলেবেল করাতে পারছি। সেটা সবার সাপোর্টে এবং সবার আশীর্বাদে সবার ভালোবাসায় হচ্ছে, এবং আমরা ভীষণ প্রাউড ফিল করছি যে এই রাস্তার বাচ্চাদের কথা ভেবে আমাদের আজকে শহরে মেয়র সাহেব এখানে উপস্থিত হয়েছেন। খুব একটা মানে কাউন্সিলর আমাদের ওয়ার্ডের ইনি উপস্থিত, এমআইসি আছেন, মানিকদা অভয়াদি আছেন, গার্গী ম্যাম আছেন, সবাই এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আমাদের ভীষণ একটা ভালো ব্যাপার, এবং তার সঙ্গে আমাদের আজকে থেকে 5 দিন ব্যাপী স্টেরিলাইজেশন ক্যাম্প শুরু হচ্ছে। কলকাতা থেকে ডক্টর বাবুরা এসেছেন, ডক্টর শশাঙ্ক ত্রিপাঠী এবং ডক্টর রায়া সরকার, ওনারা কলকাতা থেকে এসেছেন। এই 5 দিনের ক্যাম্প ওনারা করবেন, এবং শহরে এখন কুকুরের পপুলেশন প্রচুর, এই ক্যাম্পে আমার মনে হয় যে প্রচুর একটু সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব। আমি এবার রিকোয়েস্ট করবো যে গৌতম বাবু এসে আমাদের বডিটা ইনোগ্রেশন করবেন। নমস্কার, আমরা ধন্যবাদ জানাই লোকনাথ মিশনকে দাগাপুর, তারা জীবের সেবায় এই বড় কাজ করছে। এটা একটা বড় সমস্যা স্টেরিলাইজেশন, আজকে 5 দিন ধরে কুকুর বিড়াল 186টি বাড়িতে তারা করলেন স্টেরিলাইজ 5 দিন ধরে। আজকে আমরা এই ভর্তিটা উন্মোচন করে দিচ্ছি। 2 জন ডাক্তারবাবু কলকাতা থেকে এসেছেন, তারা তাদের মধ্যে একজন তাকেও আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই। মিশন কর্তৃপক্ষ এবং তার সাথে যারা এনজিও যুক্ত আছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই, এবং এখানে অনেক কুকুর কত কুকুরকে তারা নানানভাবে সমস্যায় ছিল, সেই কুকুরগুলোকে তারা এখানে আশ্রয় দিয়েছেন, লালন পালন করছেন। তার জন্য আমি মিশনকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, এবং আশা করবো যে ওরা রেগুলার এই স্টেরিলাইজেশন করবো বিভিন্ন ওয়ার্ডে। এই দাবিটা আসছে, আমরা পুর নিগম থেকেও চেষ্টা করছি এটা শুরু করা। ইতিমধ্যে 2টো ক্যাম্প আমরা করেছি এনজিওদের সহায়তা, এবং আমি আশা করব যে এই লোকনাথ মিশন